space for the first time, then hi, my name is Nimi and I am back with an amazing haul. Yes, this is a jewelry haul which is my favorite haul. And आपने इससे पहले मीशो की ज्वेलरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, उस हॉल उस वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था. सो आई एम होपिंग द सेम फॉर दिस वीडियो ऑल्सो. सो आई यू गाइज एक्साइटेड फॉर द ज्वेलरी बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. सो आई हैव सम ज्वेलरी फॉर यू गाइज विच आर अमेजिंग, फैंटास्टिक, गॉर्जियस. सब आप सारे वर्ड्स को जोड़ लो, ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है. सो जो भी प्राइजेस हैं वो मैं इधर इधर कहीं दे दूंगी एंड मैं क्लिप्स भी ऐड कर दूंगी कि ये पास से कैसी लगती हैं. एंड लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होंगे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एवरीवेयर. ये तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आती है और आपको बॉक्स इसमें मिलेगा. एंड द इंस्टाग्राम स्टोर नेम इज द ज्वेलरी स्टोर. एंड आपको बिल्कुल ये यू नो बबल रैप में पैक होके आएंगी. देर इज नो चांस ऑफ एनी डैमेज एंड यू कैन सी मैंने सबको खोल के रख रखा है. एंड दे ऑल आर इन सिल्वर बिकॉज अभी सिल्वर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. तो आई थॉट वाई नॉट यू नो बाय. और मिरर वर्क इज यू नो पीक पे है. सिल्वर के साथ पर्ल इयर रिंग्स, सिल्वर के साथ मिरर इयर रिंग्स बहुत ज्यादा ट्रेंडी हैं. सो या सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इयर रिंग एंड पर्ल हैंगिंग इयर रिंग्स जो बहुत ही प्रिटी लगती हैं. एंड इसमें ऊपर पे यू नो ऐसे राउंड सा कुछ बना हुआ है जो कि बहुत अमेजिंग लगता है. द क्वालिटी इज सो गुड और ये यू नो बहुत ज्यादा लाइट वेट भी नहीं है और बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है. बिकॉज यू नो ऑब्वियसली इतने बड़े इयर रिंग्स देखे कोई भी सोचेगा कि ये बहुत ज्यादा हैवी होने वाले हैं, बट literally they are you know such a comfortable piece और बहुत ही ज्यादा amazing लगता है. आपकी look को बिल्कुल enhance कर देगा ये. as you can see मुझे बहुत ही ज्यादा pretty लगा. so the next earring are these और इन earrings में you know मुसाफिर लिखा हुआ है as you can see और ये बहुत ही ज्यादा pretty लगती हैं. ये stud type की earrings हैं और आपको you know simple सा minimal look देने के लिए बहुत ही amazing है और मुझे बहुत ज्यादा pretty लगी ये क्योंकि you know छोटी सी भी है एंड एट द सेम टाइम अगर आप कुर्ता वगैरह में पहनना चाहें तब भी आप इनको कैरी कर सकते हैं. दे विल लुक अमेजिंग ऑन यू. बहुत ज्यादा यू नो टाइनी टाइनी से दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं एज यू कैन सी हियर. सो द नेक्स्ट पीस इज अमेजिंगली गॉर्जियस गाइज. As you can see, oh my god, look at them guys. बहुत ही ज्यादा सुंदर है. मुझे तो इतनी प्रिटी लगी ना ये इयर रिंग्स. इसमें यू नो कुंदन टाइप का वर्क किया गया है जो कि दूर से मिरर जैसा लग रहा है लेकिन यू नो पास से थोड़ा सा कुंदन टाइप का है ये वर्क. एंड बहुत ही अमेजिंग लगती हैं एज यू कैन सी. बहुत यू नो काफ़ी अच्छी लेंथ है इनकी और काफ़ी गुड क्वालिटी के हैं ये और बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी हैं एज यू कैन सी. एंड इसमें नीचे से झूमर भी लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं. दे ऑल कॉस्टेड मी अराउंड 250, मतलब 250 से कम के ही थे. या आई रियली लाइक दिस इयर रिंग. सो द नेक्स्ट सेट इज दिस. ये यू नो चांद टाइप की कुछ स्टड, मतलब बहुत लंबी और बहुत बड़ी नहीं है ये, तो ऑब्वियसली आपको स्टड के तरीके से आएगी और ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. मतलब जब आपको यू नो उतना हैवी नहीं पहनना है तो यू कैन टोटली गो फॉर दीज इयर रिंग. इसमें यू नो एक चांद सा ऐसे कट है एंड बीच में एक फ्लावर है. दिस इज सो प्रिटी. मतलब अगर आप यू नो बहुत ज्यादा सिंपल पहनना चाहते हैं तो तब आप इसको कैरी कर सकते हैं जो आपको यू नो बहुत ज्यादा सिंपल भी दिखाएगा एट द सेम टाइम एलिगेंट भी बहुत ज्यादा दिखाने वाला है. तो इसके साथ मुझे एक रिंग भी मिली है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है एज यू कैन सी और बहुत ही प्रिटी है यार. ये यू नो मुझे एक कॉम्बो मिला तो ये एक बिल्कुल स्टील डील थी और आई थिंक ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थे. यू शुड डेफिनेटली चेक आउट एनी ऑफ दीज इयर रिंग्स. दे आर अमेजिंगली गॉर्जियस गाइज. मतलब एक दो तो आप ले ही सकते हैं, तो डेफिनेटली चेक आउट द इंस्टाग्राम पेज और जरूर वहां से आप परचेस कीजिएगा. सो द नेक्स्ट इयर रिंग इज ऑल्सो अमेजिंग. मतलब ब्यूटिफुल इज द
ब्यूटिफुल इज द ओनली वर्ड आई कैन से अबाउट दीज इयरिंग्स एंड दीज आर लाइक दिस एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं. ये हैंगिंग इयरिंग्स हैं और बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं ये. ये यू नो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली थी. आई डोंट नो कौन सी मूवी में इसे कृति सनन ने आई थिंक पहना हुआ था. तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल यू नो दीज इयरिंग्स, क्योंकि ये हैंगिंग भी हैं, एट द सेम टाइम इनमें पर्ल की डिटेलिंग भी की गई है और इसमें यू नो मिरर वर्क भी है. तो सब चीज़ इसमें है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती है, एज यू कैन सी यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये. या आई रियली रियली लाइक एवरी सिंगल ज्वेलरी ऑफ यू नो इस कलेक्शन की. मैंने जस्ट ये चीज़ें यू नो परचेज करी थी जस्ट चेक की कैसा आता है, यू नो मटीरियल कैसा है, क्वालिटी वाइज कैसे हैं और ये यू नो स्टडी हैं या नहीं है. बट दे आर bomb.com. मतलब सीरियसली ओ माई गॉड आई वॉज शॉक जब मैंने यू नो ये बॉक्स को खोला. आई वॉज लाइक कि द क्वालिटी वॉज अमेजिंग, द प्राइस वॉज अमेजिंग, द एवरीथिंग इज अमेजिंग विद दीज ज्वेलरी. आई लव 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 दीज ज्वेलरी. सो फ्रॉम माई साइड यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक. और मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट करूँगी यार कि आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए. जो भी आपको ज्वेलरी से मतलब जो भी आपको यू नो इयरिंग्स पसंद आई हो तो आप एक दो इयरिंग्स तो खरीद सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ मुझे लगी. तो ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी ऑब्वियसली, बट देन टू यू नो गिफ्ट्स किसको नहीं पसंद है, वो भी फ्री के ऑब्वियसली. ऐसा कुछ कहीं पे मेंशन नहीं था कि वो कुछ भी चीज़ यू नो फ्री में देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे या कुछ भी देंगे. तो जब मुझे बॉक्स मिला तो उसमें यू नो मुझे ये पायल गिफ्ट की है उन्होंने, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है और बहुत ज़्यादा प्रेटी लगती है. मैंने इसको रखा हुआ है कि मैं कभी पहनूंगी जब कुछ होगा. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये. इस फेस्टिव सीजन में आप भी सिल्वर ज्वेलरी पहन सकते हैं और आप भी इनको परचेस कीजिए, पहनिए, खूबसूरत देखिए और क्या करना है यार. सो हैप्पी फेस्टिवल, हैप्पी शॉपिंग. या वन मोर थिंग, प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सी इयररिंग्स, कौन सा सेट सबसे ज्यादा सुंदर लगा. प्लीज मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ. एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड लाती रहूंगी मैं आपके लिए ऐसी कुछ कुछ बहुत अमेजिंग सी वीडियोज. सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.